हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है नो मेकअप मेकअप लुक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक्वा कलर की तरफ से लेंस, एंड ये लेंस ब्राउन में है जो मेरी आईज़ में इतना नज़र नहीं आ रहा है, सो इट इज़ ओके। देन मैं यूज़ कर रही हूँ क्विंच का फेस मिस्क, ये आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट करेगा। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ EN की तरफ से हाइड्रेटिंग लिप मास्क, ये भी बहुत अच्छे से आपके लिप्स को हाइड्रेट करता है। देन मैं क्विंच का ही एसेंस लगाऊंगी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ क्विंच की तरफ से आई क्रीम, अंडर आई क्रीम भी आप इम्पॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ क्विंच की तरफ से ही इंस्टेंट रिपेयरिंग सिरम, एंड ये सिरम भी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा। जितना अच्छा स्किन प्रिपेयर होगा उतना ही अच्छा एंड लॉन्ग लास्ट मेकअप रहेगा। देन मैं न्यूट्रीजेना की तरफ से हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। सो मैंने पहली बार ये ट्राई किया एंड आई लव दिस मॉइस्चराइजर सो मच। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉप एक्सो की तरफ से टिंटेड सनस्क्रीन। सो इसको लगाने के बाद BB क्रीम वगैरह की नीड नहीं होती, ये अच्छे से आपको एक से थोड़ा बहुत कवरेज भी मिलता है। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन की थोड़ा बहुत मुझे कवरेज मिला है, एक साइड देख सकते हैं, दूसरी साइड की तरफ भी देख सकते हैं। देन मैं यूज़ करने वाली शुगर का SPF 30 BB क्रीम है ये, एंड इसके अंदर SPF भी है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो मैं तो ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप लुक है। सो इसके अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन आपको अच्छे से इसको ब्लेंड 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 करना है। देन मैं लगाऊंगी ब्लश जस्ट हव की तरफ से इन द शेप सॉफ्ट न्यूड। देन मैं प्लम का ही यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आपने अपने चीक्स पे लगाना है, देन नोज़ पे लगाना है। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर का कॉम्पैक्ट, एंड ये पाउडर पफ PAC का है। ये पाउडर पफ मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि सारी वीडियो में आपने देखा ही होगा। देन मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का P01 ब्रश पूरे ऑल ओवर माय फेस के लिए, मैंने बस अंडर आई में ही उस पाउडर पफ को रखा था। देन मैं SFR की तरफ से यहाँ पे ब्राउन एक शेड लूँगी, देन मैं उसको अपने पूरे लिड्स पे अप्लाई करूँगी। देन मैं यहाँ ब्रश यूज़ कर रही हूँ CS एसेंशियल की तरफ से, ब्लेंडिंग E4 नाम है इसका। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉप एक्सो की तरफ से स्क्वाड गोल्ड, इसके अंदर से मैं ब्राउन शेड पे करके एज यूजुअल अपनी आईब्रोज फिल करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ। एंड देन मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर की तरफ से मस्कारा जो कि मेरा फेवरेट है। एक तरफ इसका लैशेज एक तरफ इसका मस्कारा है एंड दूसरी तरफ इसका फाइबर है। सो आप दोनों अप्लाई करके अपने लैशेस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, सो डेफिनेटली ट्राई इट। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर का ब्लश जो कि मुझे ब्लश थोड़ा सा कम लग रहा था, दैट इज़ वाई आई एम अप्लाइंग द ब्लश। एंड मैं पाउडर पफ की तरफ से मैं यहाँ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छा फिनिश आए। देन मैं यहाँ हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर जो कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है आपके फेस में। देन मैं यूज़ कर रही हूँ माय ग्लैम का लिपस्टिक इन द शेड मोजेटो आई थिंक। देन मैं ब्लोरा का, मेरे पास एक ब्रश था उसी की हेल्प से मैं पहले यहाँ पे आउटलाइन दूंगी, सो बस मैं ये आउटलाइन ही करूँगी इस लिपस्टिक से। देन मैं यूज़ करूँगी पॉप एक्सो की तरफ से लिक्विड लिपस्टिक, देन मैं इसको अप्लाई कर दूँगी एंड इसका शेड वगैरह मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी। देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ क्विंच की तरफ से लिप ऑयल जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ग्लॉस भी काम करता है, लिप ऑयल का तो काम कर ही रहा है। सो हियर इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो और ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। सो बाय।